नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर प्राइम में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जगन्नाथ मंदिर में हैं और भगवान जगन्नाथ आज महास्नान के बाद एकांतवास में चले जाएंगे। 14 प्रकार की औषधि से 108 कलश से उनका महास्नान हो रहा है और इस वक्त जगन्नाथ मंदिर में जो भीड़ है वो आप देख रहे हैं। देश भर में भगवान जगन्नाथ की पूजा की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भगवान जगन्नाथ 14 दिन के एकांतवास के बाद 15वें दिन उपस्थित होंगे और फिर 1 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी। आज के दिन में स्नान यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। पहले केवल पंडित जी के द्वारा भगवान को स्नान कराया जाता था, लेकिन हम लोगों का कमिटी जब से इसमें यह हुआ, अनुभव किया कि इसमें महिला भक्त, विशेष करके आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, जो भक्ताइन कहलाए जाते हैं, उन लोगों को भगवान में मैंने बहुत आस्था विश्वास है, तो उन्हीं लोगों का आस्था को सामने रख करके आज इस कार्यक्रम को थोड़ा बृहद रूप दिया गया। और बृहद रूप क्या है कि सभी लोग स्पर्श दर्शन भगवान जगन्नाथ का कर पाएंगे, सभी लोग दूध अरवा चावल से उनको स्नान करा पाएंगे। पंडित जी लोग तो जो विधि विधान से होता है वो तो होता ही होता है। और रहा बात कि आज मैंने भगवान का स्नान के बाद भगवान को जैसा मान्यता है कि बीमार पड़ जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि क्वारंटाइन होना है। आज की भाषा में हम लोग उसको क्वारंटाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यवस्था आज से हजारों वर्ष पहले जब से जगन्नाथ जी का पूजा का परंपरा प्रारंभ हुआ तब से क्वारंटाइन शब्द नहीं था लेकिन व्यवस्था था। यदि आप बीमार पड़ गए हैं तो पब्लिक से दूरी बना करके रखना होगा और वही 14 दिन भगवान अज्ञातवास में रहेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे। फिर उनका नेत्रदान का कार्यक्रम 30 तारीख को होगा और 1 तारीख को भगवान का भव्य रथ यात्रा मौसी बारी तक के लिए यहाँ से प्रस्थान करेगा। यही कार्यक्रम विशेष रूप से यहाँ होता है। देखिए, जगन्नाथ स्वामी बलभद्र और सुभद्रा माता, ऐसे तो सालों भर इनका दिन है लेकिन आज का दिन का विशेष महत्व है। भगवान 15 दिनों के लिए अज्ञातवास में जाते हैं और फिर जो है 1 जुलाई को जो है यहाँ भव्य रथ यात्रा निकलती है और मौसी बाड़ी भगवान जाते हैं, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से और समस्त झारखंड वासियों के कल्याण के लिए। भगवान जगन्नाथ स्वामी से मैंने प्रार्थना किया, राज्य में, राजधानी में शांति हो, अमन हो, भाईचारगी हो, राज्य तरक्की करे और भगवान सबका कल्याण करें, आपका भी कल्याण करें, हमारा भी कल्याण हो, पूरे जग का कल्याण हो। और इस मंदिर में, जगन्नाथ स्वामी के दरबार में अद्भुत शक्ति है। लोग कहते हैं कि यहाँ से मांगी हुई मुरादें कभी खाली नहीं जाती। अगर मांगी आपने, ठीक है कि वो दुआएं मांगी सबके लिए, अपने लिए क्या मांगा? अपने लिए भी आशीर्वाद मांगा है। अपने लिए आशीर्वाद वो कन्फिडेंशियल होती है जो सिर्फ भगवान जानते हैं और भगवान को मालूम होता है कि भक्त की इच्छा क्या है, इसलिए मांगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, भगवान को मालूम होता है। हमेशा आता हूँ मैं यहाँ दरबार में तो अच्छा लगता है, सुकून मिलती है, शांति मिलता है। इस बार भव्य नहीं हो पाएगा, मेला नहीं लग पाएगा, बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति जो है उसी से मजबूत होती है, दूर दूर से लोग आते हैं, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे विचार से मेला लगना चाहिए और हम लोग पिछले दिनों आए थे माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी के साथ, हम लोगों ने पूरा भ्रमण भी किया था, रथ जब निर्माण हो रहे थे उसको भी देखा था। हजारों लाखों लोगों की रोजगार चलती है, मंदिर या धार्मिक स्थल सिर्फ आस्था ही नहीं है, साल भर यहाँ पर जो लोग मेला में आते हैं 6-7 दिन, उससे साल भर उनकी रोजी रोटी चलती। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए और कोरोना के दुष्प्रभाव अब नहीं हैं, कोरोना महामारी खत्म हो गई है, एक निश्चित गाइडलाइन करके रथ यात्रा भी निकले और रथ मेला भी लगे, मैं इसका पक्षधर हूँ। इसके तुरंत बाद सावन महीना
जो देवघर और बाबा बासुकीनाथ में मेला लगता है, लाखों लोगों की रोजी रोटी वहाँ पर चलती है, इसलिए ये मेला जरूर लगना चाहिए और हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें व्यापक प्रयास करेंगे कि मेला लगे। झारखंड के सरायकेला में स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा को स्नान कराया गया। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।